मंगललाल तो क्या है इसमें, प्रेशर कम हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। ओके, तो आपने अंदर सुन लिया, वो आवाज आ रही है? आप जाके देखो, सुनो, आ जाएगी आवाज, जोरदार आती है। अगर आपको ना आए तो मुझे बताना, मैं थोड़ा प्रेशर बढ़ा दूंगा। दरवाजा बंद कर देना। हाँ जी, हल्की सी आवाज़ इसमें से आ रही है, आ रही आ रही है। नहीं नहीं, अब प्रेशर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, आ गई मुझे। मैंने यहाँ पे कान रखा गाइस, तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है। मतलब मगनलाल बोल रहे हैं कि कूलिंग कोयल चेंज करना पड़ेगा, तो कामगिरी अब दिखाएगा आपको। वैसे प्रेशर वेशर डाल के मगनलाल ने सब ऑलरेडी चेक कर लिया, मैं आया तब तक। फिगो की कूलिंग कॉइल चेंज करने के लिए काउल ओपन करना पड़ता है। काउल के नीचे बोल्ड रहता है जो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड सपोर्टर। ओके, वहाँ पे नीचे की साइड एक बोल्ट रहता है ना, तो इसी वजह से काउल खोलना पड़ता है फिगो में, कूलिंग कॉइल चेंज करने के दरमियान। इसको इसलिए निकला है क्योंकि यहाँ पर नीचे का जो बोल्ट है वो खोलना पड़ेगा। ये मारे लोग हैं। ये लो ये फोर बंदे रात को रंगोली अंबाला गांधीनगर दरवाली ना। तो ये जो बोल्ट खुल रहे लाल, उसकी वजह से ये ऊपर का मचड़ा जो निकालना पड़ा।
तो जी अब एयर फिल्टर असेंबली निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये पार्ट नहीं निकल रहा। चूहों के लिए चूहा ना है इसलिए ये कंसोल खोलना पड़ेगा। ओके और उसके बाद डैशबोर्ड है ना, उसके बाद डैशबोर्ड खुलेगा कंसोल के बाद। ओके आना खुलता एक्स्ट्रा हमारा मुझे समझे। अच्छा वो एक्स्ट्रा बोल लगाया हुआ है पार्टी में। हाँ ठीक है वो ढिलू थी क्यों है। गुजराती में हम नहीं है ना। ओके गुजराती में हम समझ गए पर हमारी पब्लिक नहीं समझेगी तो उनको बोल देता हूँ वो लूज हो जाता है एक टाइम के बाद इसलिए पार्टी ने यहाँ पे स्क्रू लगाया हुआ था ऐसा लाल बोल रहे है और कुछ नहीं बोल रहे। एक मापत
अभी ये जो पुराने वाली कोयल निकाली हमने कोयल दिखाई वाला दिखाई दे रहा है, ये जो बबल्स हो रहे हैं वहां से लीक है कूलिंग कोयल, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे नई वाली से। तो जी फाइनली हमने नया कूलिंग कोयल डाल दिया है और डैशबोर्ड रिफिट कर दिया है। अब हम वापस प्रेशर भर के देखेंगे कि वहाँ से लीकेज हो रहा है कि नहीं। एंड या ड्यू टू सम रीज़न वी कुडंट कैच द क्लिप ऑफ डैशबोर्ड रिमूविंग एंड रिफिटिंग, सॉरी फॉर दैट। तो नया वाला कूलिंग कोयल इसमें डल चुका है, अब आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो जी इसमें प्रेशर भर के रखा है हमने फुल करके 250। कितना टाइम हुआ मंगनलाल? आधा घंटा हो चुका है। पर लीकेज नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। तो थोड़ी देर बाद और वेट करके, एक घंटा वेट करेंगे और गैस डाल देंगे बाद में। ओके। तो मंगनलाल जब तक प्रेशर का वो चेकिंग हो रहा है तब तक हम ये फिटिंग कर लेते हैं। ठीक। अरे चाय भी टेबल
वांदो नो तो हम तो बापा कम इनके वाली गए थे बा एम जो करता था व्हाट्सएप में जो तो जी बाहर इंजन कंपार्टमेंट में भी सब कुछ रिफिट कर दिया है लाल ने। अब पूरी रात ऐसे ही रखेंगे प्रेशर डाल के और इसको देखेंगे सुबह कि इसमें से प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं। अदरवाइज नहीं हो रहा है तो कल गैस डाल के इसको चिल्ड कर देंगे। तो जी मगनलाल ने वैक्यूम कर दिया है परफेक्टली। अब ये जो है कंप्रेसर ऑयल है उसको थोड़ा जाने देंगे अंदर रखो ना ऊपर। तो जी अभी आपने जो देखा हमने कंप्रेसर ऑयल डाला वो जब भी कंप्रेसर या तो फिर कूलिंग कोयल गाड़ियों में बदलती है रिप्लेस होती है तब कंपलसरी है डालना क्योंकि अंदर इतना ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो गाड़ी चालू करके मगन लाल गैस डाल दो। गाड़ी चालू रख के वहाँ से लाल ने वो गैस डाल दिया और चिल कर रही है गाड़ी अभी कूलिंग दे रही है बढ़िया।